हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई फ्रेश वीडियो में। तो आज हमारे सामने खड़ी है मारुति की एक और गाड़ी सेलेरियो LXi पेट्रोल। तो चलिए आज इसका वॉक अराउंड रिव्यू करेंगे, क्या क्या फीचर है, क्या ऐसा इंटीरियर है क्या। तो फर्स्ट चलते हैं इसके फ्रंट लाइट की तरफ। यहाँ पर इसका इंडिकेटर, यहाँ पर ये दो हेलोजन बल्ब, यहाँ पर नीचे कोई भी फॉग लैंप नहीं। इस टाइप की कुछ फ्रंट लुक आती है। एक बार कमेंट करना आपको पुरानी वाली लुक ज़्यादा अच्छी लगती है न्यू वाली। तो चलिए अब साइड वाइज बात कर लेते हैं। तो इसमें टायर हैं ब्रिजस्टोन के, जिनकी प्रोफाइलिंग है 165/70R14 और ये स्टील रिम्स हैं व्हील कैप के साथ। यहाँ पर फेंडर पर टर्न इंडिकेटर है, साइड मिरर पर कोई टर्न इंडिकेटर नहीं है। यहाँ पर आपको इसकी सारी डायमेंशंस वगैरह स्क्रीन पर शो हो जाएंगी, कितने लीटर का फ्यूल टैंक, सब कुछ, कैपेसिटी, व्हील बेस, सब कुछ आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा। तो फर्स्ट इसके बाद करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो कुछ इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, सिर्फ स्पीडोमीटर है इसमें यहाँ पर, और यहाँ पर सारी डिटेल्स वगैरह आपको मालूम पड़ेंगी। और कुछ इस टाइप का आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग कुछ नहीं है। यहाँ पर वाइपर के कंट्रोल्स हैं, यहाँ पर इंडिकेटर के कंट्रोल्स हैं। तो इसमें यहाँ पर आपको RUM के कंट्रोल्स मिलते हैं, यहाँ पर नीचे लाइट के कंट्रोल, यहाँ पर बोनट ओपन करने के लिए मैनुअल है, तीनों पेडल्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं। और यहाँ पर गेट में बोतल होल्डर, कुछ इस टाइप में गेट ओपनर आपको मिलता है। यहाँ पर एक इस इवेंट, दो इस इवेंट यहाँ पर कोई भी स्टूडियो वगैरह नहीं मिलेगा आपको, अगर लगवाना है तो लगवा लेना। यहाँ पर आपको पार्किंग लाइट, यहाँ पर और सारे लॉक अनलॉक बटन, ये सारी चीज़ें आपको, विंडो लॉक, ये सब मिल जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर मैनुअल AC कंट्रोल्स, 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट, USB ऑक्स का ऑप्शन नहीं है, दो कप होल्डर, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस, 5 मैनुअल ट्रांसमिशन, ऐसा कुछ टाइप का गियर, बहुत ज़्यादा रफ सा है ये। और यहाँ पर हैंड ब्रेक, और यहाँ पर इस टाइप से सेलेरियो का कुछ इंटीरियर मिलता है, आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए। और यहाँ पर कुछ इस टाइप का ग्लव बॉक्स आपको मिलता है, यहाँ पर बोतल होल्डर है, यहाँ पर आपको विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पर मैनुअली एडजस्टेबल मिरर मिलता है आपको, यहाँ पर इसमें आपको एक टिकट होल्डर, यहाँ पर ये लाइट, यहाँ पर इसमें एक वैनिटी मिरर, और यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल, इधर कोई ग्रैब हैंडल नहीं है, तीन ग्रैब हैंडल हैं। और इस टाइप से कुछ पूरा यहाँ पर कोई भी स्टीरियो वगैरह कुछ नहीं है। कॉस्ट कटिंग तो खैर बहुत करती है मारुति, ये बात तो है यार। अब चलते हैं इसके सेकंड रो की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बस ठीक ठाक सा स्पेस मिल जाता है, कोई थोड़ा और लंबा बंदा आ जाए तो आपको बिल्कुल पीछे वाला तो भिज जाएगा बिल्कुल। यहाँ पर आपको इसमें पीछे की तरफ भी बोतल होल्डर मिलता है, यहाँ पर इसमें आपको कोई भी आर्म रेस्ट नहीं मिलता, यहाँ पर आपको इसमें सीट बेल्ट वगैरह अवेलेबल हैं, और यहाँ पर पार्शियल ट्रे है। तो यहाँ पर कोई भी कप होल्डर वगैरह कुछ नहीं है, ना कोई AC वेंट, ना कुछ, बहुत ही ज़्यादा कम सा स्पेस है। अगर कोई और लंबा बंदा आ जाए तो यहाँ पर स्पेस भी नहीं मिल पाने का। पीछे की तरफ आपको ना कोई वाइपर है, ना कोई डिफोगर, यहाँ पर स्टॉक लैंप है, कुछ इस टाइप की आपको बैक लाइट मिलती है, यहाँ ब्रेक लाइट, इंडिकेटर और रिवर्स लाइट, और सेलेरियो का लोगो, मारुति का लोगो यहाँ पर, और नीचे दो रिफ्लेक्टर्स, ना कोई सेंसर, ना कोई कैमरा। और यहाँ इस टाइप से आपको बूट ओपन हो जाता है, आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा कितने लीटर का इसमें बूट स्पेस है। ठीक ठाक बूट स्पेस है वैसे, जितनी छोटी गाड़ी है देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर पार्शियल ट्रे है, इसे आप यहाँ से हटा भी सकते हैं अगर हटाना चाहें। यहाँ पर आपको उसकी टूल किट वगैरह मिल जाएगी, और नीचे आपको स्टील मिल जाएगा जिसकी प्रोफाइलिंग है 165/70R14। इस टाइप से आपको सेलेरियो का सब कुछ मिल जाता है, कुछ खास इंटीरियर नहीं है, ना कोई खास फीचर है इस गाड़ी के अंदर। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको नई सेलेरियो अच्छी लगती है या पुरानी वाली, और क्या इंटीरियर कैसा लगा सब कुछ। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्दी। थैंक यू सो मच।